पृथ्वी यानी हमारी धरती अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्य और तथ्यों में से कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पृथ्वी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य और रहस्यों को जानकारी भी हम आपको देंगे जिनके बारे में आप बहुत कम ही जानते हैं। आप भी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती यानी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। नंबर 2, कहा जाता है कि पृथ्वी कोर यानी केंद्र में इतना बड़ा सोने का भंडार है कि अगर उन सभी सोने को धरती के ऊपर फैला दिया जाए तो 1.5 फीट का परत बन जाएगा। नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के आगमन से पहले इस धरती पर लगभग 15 करोड़ साल तक डायनासोर का युग था, उनका ही राज यहाँ चलता था, लेकिन एक उल्कापिंड के पृथ्वी से भयानक टकराव के कारण धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो गई जिसकी वजह से पृथ्वी से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। नंबर 4, वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दिनों में धरती पर पेड़ नहीं पाए जाते थे, लेकिन पेड़ जितने भी बड़े बड़े मशरूम हुआ करते थे। नंबर 5, हम सब जो लोग जानते हैं कि सूर्य का तापमान बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आप यह जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर का तापमान भी सूर्य के तापमान के बराबर ही है। नंबर 6, वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100 करोड़ साल में सूर्य का तापमान और बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पृथ्वी में मौजूद सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा जिसके कारण धरती का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस धरती से जीवन नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी एक गर्म गोले में बदल जाएगी। नंबर 7, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिसका नाम भगवान के नाम पर नहीं है और अन्य 7 ग्रहों का नाम रोमन देवी और देवताओं के नाम पर है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी को भी माँ का स्वरूप मानते हैं और ये पृथ्वी यानी धरती देवी ही है। सनातन धर्म में इसे हम धरती माँ कहते हैं। नंबर 8, वैज्ञानिकों का शोध बताता है कि ब्रह्मांड में जितने तारे मौजूद हैं उसमें कहीं ज़्यादा धरती पर वायरस मौजूद है। नंबर 9, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हमारी इस धरती का केंद्र बिंदु यानी पृथ्वी के कोर केंद्र के बीच का दूरी केवल 3000 किलोमीटर है। नंबर 10, नीले आकाश में उड़ते बादल देखते ही रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हीं बादलों की वजह से हमारी इस धरती का तापमान नियंत्रित भी होता है। नंबर 11, इस शोध के मुताबिक इस शताब्दी के अंत तक महासागरों का पानी का स्तर 2 फीट तक बढ़ सकती है और महासागर के आसपास मौजूद कम ऊंचाई वाले जगह डूब सकते हैं। नंबर 12, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती के केंद्र पृथ्वी के कोर का तापमान सूर्य के तापमान से भी अधिक है। नंबर 13, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती पर कोई भी पर्वत 15,000 मीटर से ऊंचा नहीं हो सकता। नंबर 14, माना जाता है कि पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ है यानी प्रति व्यक्ति लगभग 422 पेड़ है। हालांकि मानव सभ्यता की शुरुआत तो के बाद हमारी इस धरती पर पेड़ों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। हर साल मानव गतिविधियों के कारण 15 अरब से अधिक पेड़ काट दिए जाते हैं। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के कुछ ऐसे ही जगह हैं जहां अभी तक बारिश दर्ज नहीं की गई है? जी हां, चिली में स्थित अकाकमट्टा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क जगह है। नंबर 16, अगर अंटार्कटिका महासागर के जमे हुए सभी बर्फ पिघल जाएं तो महासागरों का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। नंबर 17, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जलवायु हमेशा स्थिर नहीं रहेगी, अगले कुछ और वर्ष में यह पृथ्वी से खत्म भी हो सकती है। नंबर 18, शायद आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पृथ्वी के उत्तर ध्रुव में समुद्र के नीचे कोई भी ठोस जमीन नहीं है, वहाँ केवल बर्फ की चट्टानें हैं जो सर्दियों में जम जाती है और गर्मियों में पिघल जाती है। नंबर 19, वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा अगर नहीं होता तो हमारी धरती पर केवल 6 घंटों का दिन ही होता। नंबर 20, हमारी यह धरती लगभग 70% पानी से ढका हुआ है और उसमें से 96% पानी समुद्र के रूप में पाया जाता है। नंबर 21, हमारी इस धरती पर लगभग 87 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें से 22 लाख प्रजातियां समुद्र में ही पाए जाते हैं।
कहा जाता है कि धरती पर जीव जंतुओं की संख्या और भी अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 80% से अधिक जीव जंतुओं के बारे में अब तक कोई भी जानकारी प्राप्त हुई ही नहीं। नंबर 22, पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ही लगते हैं। बरसात के दिनों में आपने बिजली कड़कते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस धरती पर लगभग 3,42,000 बिजलियां रोज कड़कती है। नंबर 24, माना जाता है कि 70 करोड़ साल पहले हमारी यह धरती बर्फ से ढकी हुई थी। नंबर 26, हम सभी को लगता है कि हमारी धरती स्थिर है, लेकिन आपको पता है कि बिल्कुल भी यह ऐसा नहीं। हमारी पृथ्वी में इतनी तेज गति से सूरज के चक्कर लगा रही है कि केवल 1 घंटे में वह 170,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है।